उन्नाव नवागत पुलिस अधीक्षक सुरेश राव आनंद कुलकर्णी ने शनिवार को कार्यभार संभाला। कुलकर्णी जी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का समय चल रहा है, फिर भी कानून व्यवस्था का पालन कराया जाए या दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। बताया कि पुलिस कर्मियों से दायित्व का निर्वहन करने पर जोर दिया जाएगा। हमारे नवागत कप्तान सुरेश राव आनंद कुलकर्णी 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यूपी हेड श्याम जी गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद में आए हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी कानून व्यवस्था को लेकर के और आपका क्या उद्देश्य है कानून व्यवस्था को लेकर के? शासन के जो भी निर्देश इसके संबंध में अनुपालन कराना, मुख्यालय के जो भी निर्देश है उसका भी अनुपालन कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे पास जो पीड़ित व्यक्ति आ रहा है उसको हम न्याय कैसे दिला सके और उसको तत्काल तत्परतापूर्वक उसकी FIR दर्ज करके और सही और निष्पक्ष रूप से उसकी विवेचना करके प्रकरण की जो हम तत्परतापूर्वक न्याय दिलाने का हमारा प्रायोरिटी है, क्योंकि महिला अपराधों के संबंध में संवेदनशील उसको और रहना चाहिए और उस पर और तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। उस संबंध में भी सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए जाएंगे और तत्परता से कार्रवाई करने की। करप्शन और क्राइम दोनों मुद्दों पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए उसको सख्ती से इन्फोर्स किया। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जनपद 80 किलोमीटर की गंगा रेती से पटा हुआ है, यहाँ अवैध खनन के मामले बहुत ज्यादा हैं। इस पर पुलिस किस तरीके से जीरो टॉलरेंस रखेगी अवैध खनन पर? एक तो ये कोशिश करेंगे कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, गलत तरीका इन्वॉल्वमेंट पुलिस कर्मियों का ना है, उसके लिए वॉच किया जाएगा। दूसरा जिला प्रशासन के सहयोग से जिला प्रशासन को जहाँ इसके इन्वेस्टमेंट के लिए मदद चाहिए होगी वो मदद जो है हम उपलब्ध करा डिस्ट्रिक्ट उनको जो भी सहायता इसके संबंध में इन्फोर्समेंट के लिए चाहिए होगी वो आप करेंगे और ऐसे जो भी तत्व है उनकी क्षमता होगी। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।